काम पसंद नहीं आया, कंपनी ने घर बैठा दिया या आप खुद घर बैठ गए हैं, कैंसिलेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं, रेजिग्नेशन आपने डाल दिया है लेकिन कंपनी कैंसिल नहीं कर रही, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया है, आपको कहा गया है कि भाई आप अपने घर में जाके बैठ जाएं, कैंसिलेशन जब होगी तो आपको कैंसिलेशन पेपर दे दिया जाएगा और आपकी छुट्टी करा दी जाएगी। ये ऐसा मसला है जो हर दूसरे बंदे के साथ ये मसला निकल आता है, या तो वो बड़े अच्छे तरीके से जॉब कर रहा होता है तब भी ये मसला निकलता है, और या तो वो आते साथ वो अगली जंप मारता है ना तब ये मसला निकल आता है। बहुत मेरे भाई दोस्त लोग जो यूएई में आते हैं तो क्या होता है भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, दो साल का होता है, तीन साल का होता है, किसी कंपनी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है, जब मैंने आपको बताया जो फ्रेशर आ रहा होता है ना, जब जैसे ही उसको एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है ना, वो जो करंट जॉब होती है, करंट जिस पोजीशन के ऊपर बैठा होता है ना, उससे वो जंप मारने की कोशिश करता है कि भाई अगली जॉब के ऊपर चले जाए। अब ऐसी कंडीशन के ऊपर यूएई ने एक लॉ दिया हुआ है, वो जो छह महीने वाला प्रोबेशन पीरियड के अंदर अगर आपको उसके बाद आपने छोड़ना है तो एक मंथ का नोटिस दें, ठीक है, वो बातें सारी अपनी जगह पे बराबर है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे उतरते हैं ना तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब हुआ क्या है, मुझे जो मैसेज आया ना, एक नहीं आता, ये काफी ज्यादा मैसेज आया है, और ये ऐसा मैसेज था जिसके ऊपर मैंने ये सोचा कि वीडियो बना देनी चाहिए ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज रहे, अगर कहीं ना कहीं कल को आप रिजाइन करने का सोच रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कंपनी चेंज करेंगे। सबसे पहले होता क्या है, बहुत से ऐसे भाई लोगों को देखा जो मुझे मैसेज कर रहे थे, हम एक महीने दो महीने से घर पे बैठे हैं लेकिन कंपनी हमें कैंसिल नहीं कर रही, ठीक है, मैं इसका आपको इलाज बताता हूँ सिंपल। सबसे पहले तो आपने वो परमिशन पीरियड वाला सारा सिस्टम करके एक महीने का कहते हैं नोटिस दे के आप चले गए हैं, कंपनी से रुखसत हो गए, ठीक है, जो भी आपने एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ था। अब उसके बाद क्या होता है कि विद इन वन मंथ जो है, और विद इन वो कहते हैं टू थ्री वीक कंपनी को आपको कैंसिल करके कैंसिलेशन पेपर हाथ में देना चाहिए, जो आपका देना दिलाना है, जो सैलरी आपकी रोकी हुई थी, जो आपका ग्रेजुटी बनती थी, अगर आपने पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट किया वो देने के बाद आपको छुट्टी करा दी जाती है। लेकिन कुछ कंपनी ये करती है कि भाई आप बैठे हम कैंसिल कर रहे हैं, इमिग्रेशन जा रहा है, पीएरओ आ रहा है, पीआरओ जा रहा है, रियलिटी बताता हूँ मैं, ये बातें आप सुनने को मिलेंगी, कल करवाएंगे, आज करवाएंगे, अरबाब नहीं है, बाहर चला गया, इमिग्रेशन कार्ड ब्लॉक हुआ हुआ है, कोई कोटा फंसा हुआ है, कोटा निकलेगा, कैंसिलेशन कराएंगे, ये बातें फर्जिया बातें हैं जो आप लोगों को सुनाई जाती हैं। अब इन फर्जिया बातों को सुनने के बाद मेरे भाई दोस्त लोग बड़े परेशान बैठे होते हैं, अब पूछ रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि दो रस्ते हैं, या तो सीधे तरीके से चला जाए, या तो वो कहते हैं टेढ़े तरीके से, वो कहते हैं ना उंगली घी ना निकले तो क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो घी निकालने के चक्कर में ना आप मसले मसाइल में ही फंस सकते हैं। वो कहते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बनाई गई है, ठीक है, आप लोग सहने, आप लोगों को सारा पता होगा, लेकिन मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर अगर आप चले जाएंगे, हेड ऑफिस चले जाएंगे जो अलकुशेफ के अंदर है, वहां पे आप जाके जो है ना एक कंप्लेंट ओपन कर सकते हैं ऑन द पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, आपके पास जो भी प्रूफ है ना वो रिटर्न में रखना है, मैंने आपको ये पहले बताइए, अगर आप रिजाइन कर रहे हैं रिटर्न में आपके पास होना चाहिए, ईमेल है जो भी है उनको रिसीविंग है वो आपके पास रिटर्न में आ गई, उस रिटर्न ईमेल को या उस रिटर्न पेपर को आप यूज करते हुए अपनी ये कंप्लेंट ओपन कराएंगे विद इन वन और टू वीक्स, ठीक है, क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट जाएगी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट टू द ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑनर भागता हुआ वहां पे जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि भाई उसके लिए कोई मसला मसाइल गवर्नमेंट की तरफ से आए, और गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की होती है लेबर लॉ को, ठीक है, तो आप लोगों ने यही करना है, आप कोशिश करें कि भाई आराम से बातचीत से मामला हल हो जाए, अगर बातचीत से मामला हल नहीं होता गो अहेड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर दें, वहां जाके कंप्लेन ओपन करें और बताएं कि भाई हमने प्रोबेशन पीरियड के बाद अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के बाद गए हैं, इन्होंने हमें बोला है कि भाई दो से तीन महीने हफ्ते के अंदर कैंसिल करेंगे, तो अभी तक कैंसिलेशन नहीं की। और ज्यादातर ये कंपनी क्यों करती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लोग पूछेंगे क्यों करती है, रीजन इज वाई कि शायद आप अपना माइंड सेट चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी तरफ से रेजिग्नेशन दी गई है कि माइंड सेट चेंज करेंगे तो दोबारा आप आगे कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, शायद कि आपको धक्के पड़ेंगे, जब कहते हैं ना रोटी के लाले पड़ेंगे तो फिर आप वापस आ जाएंगे, तो ऐसे हालात बनाए जाते हैं, और कंपनी ऐसे हालात बनाने में वो कहते हैं नंबर वन होती है, क्योंकि कंपनी भी यहाँ पे बड़े क्रूअल किस्म के हिसाब किताब में चल रही होती है। एनीवे ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गूगल करें, अपने करीब की जो लोकेशन है वहां पे निकालें, चले जाएं, कंपनी की डिटेल बताएं, अपने वीजे का वो बताएं, अच्छा ये विजिट वीजे में नहीं होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपका कंपनी का वीजा बेस्ड है ना, ठीक है, सॉरी अभी तो पासपोर्ट के ऊपर नहीं होता, जो एमएस आईडी के ऊपर है उसके ऊपर आप कंप्लेन ओपन कर सकते हैं। आई होप बात समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, अगला टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है वो देखिए बगैर मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर हो सके। Bye-bye.